वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें और वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, भूत प्रेत की कहानियां आपने कभी ना कभी तो सुनी ही होंगी, पर क्या भूत सच में होते हैं? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आप अंधेरे में अकेले हों और आपको लगा हो कि आपको कोई देख रहा है? बहुत से लोगों के पास ऐसी कई कहानियां होंगी, पर आज मैं आपको साइंटिफिक वे में बताने जा रहा हूं कि भूत सच में होते हैं या नहीं। क्या यह सच में होते हैं या इसे हमारे सिर्फ दिमाग ने बनाया है? वीडियो शुरू करने से पहले कई लोग सोचेंगे कि यह सब बकवास है, भूत जैसी चीज कोई होती ही नहीं। तो मैं उन सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि थोड़ा इस चीज को साइंटिफिक वे से समझिएगा और सुनिएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी वीडियो ना देखने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें और अपना प्यार बनाए रखें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स क्या मानते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि साइंस क्या मानता है, जिससे कि जो लोग भूतों में मानते हैं और जो नहीं मानते वह सब समझ सके। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स वो होते हैं जो भूतों को मानते हैं और भूतों पर रिसर्च करते हैं। उनका यह मानना है कि भूत मतलब मरे हुए इंसान की वो एनर्जी जो फिजिकल बॉडी खत्म होने के बाद भी इस दुनिया में रहते हैं, और वह अपनी प्रेजेंस को किसी परछाई या फिर किसी अजीब सी बॉडी के शेप में दिखाते हैं। जो लोग भूतों में मानते हैं उनका कहना है कि भूत उन लोगों की आत्मा है जिनकी कोई बहुत ही महत्वपूर्ण इच्छा या कोई काम अधूरा रह जाता है, जिसकी वजह से वह बहुत बेचैन हो जाते हैं और उन्हें मुक्ति तब तक नहीं मिलती जब तक उनकी इच्छा पूरी ना हो जाए। भूत अक्सर वहीं देखे जाते हैं जो उन्हीं से जुड़ी हो, जैसे कि कोई घर या कोई ऐसी जगह जहां उनका लगाव हो। कभी कभी तो यह किसी व्यक्ति के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं। ऐसी हजारों नहीं लाखों घटनाएं हो चुकी हैं। हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में ही भूतों के ऊपर कई तरह तरह की मूवी बन चुकी हैं, पर उनमें से तो कई सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए थी और कई सच्ची घटनाओं पर आधारित भी थी। द कॉन्जरिंग 2013 में और एनिमल क्रिएशन 2017 में रिलीज हुई थी। अगर आप हॉरर मूवी देखने के शौकीन हो तो आपने यह मूवी जरूर देखी होगी। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का यह मानना है कि भूत किसी वस्तु के अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं। जैसा कि एनिमल क्रिएशन में दिखाया गया है कि एक खतरनाक भूत एक प्यारी सी डॉल के अंदर प्रवेश कर जाता है और उस घर में रह रहे लोगों को परेशान करता है। मूवी में तो आपने यह डॉल कुछ इस तरह देखी होगी, पर असल में यह कुछ इस तरह दिखती है, और आज यह एक बंद कमरे में कैद है। मैं आपको बता दूं, यह डॉल इस दुनिया में सबसे ज्यादा श्रापित चीजों में से एक है। भूतों को लेकर एक मान्यता है कि अगर किसी भी भूत को किसी इंसान से बात करनी है तो वो सामने आकर भी बात कर सकती है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि भूत प्रेतों को समय का ज्ञान नहीं होता, पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि यह भूतों और आत्मा की घटनाएं अक्सर रात में ही क्यों होती हैं और रात में ही क्यों दिखाई देते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वह डराने और डरावने दिखने के लिए रात में आते हैं। यह तो सिर्फ काल्पनिक बातें हैं जो मूवीज में दिखाई जाती हैं। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि वह रात के समय इसलिए आते हैं कि रात में ज्यादा शांति होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस भी कम होता है। इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से भूतों को अपनी प्रेजेंस बरकरार रखने के लिए एनर्जी यानी ऊर्जा की जरूरत होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस यानी उपकरण उनकी ऊर्जा को डिस्टर्ब करते हैं। अगर स्पिरिचुअलिटी की माने तो इसके हिसाब से आत्माएं और भूत प्रेत जैसी चीजें होती हैं। स्पिरिचुअलिटी का मानना है कि इंसान के 7 शरीर होते हैं, और जब इंसान की मृत्यु होती है तो इंसान का सिर्फ एक ही शरीर नष्ट होता है जो है फिजिकल बॉडी। बाकी के 6 शरीर हैं एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी और आखिरी में निर्वाणिक बॉडी, जिसे एनलाइटमेंट बॉडी भी कहते हैं। अगर आप इस टॉपिक पर एक अलग वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी भूत पर एक एक्सप्लेनेशन दिया था जब उन्होंने कहा कि एनर्जी नेवर डिसअपीयर्स फ्रॉम द यूनिवर्स, जिसका मतलब है ऊर्जा इस ब्रह्मांड से कभी नहीं जाती। बहुत से लोगों का मानना है कि मरने के बाद भी इंसान की आत्मा इस ब्रह्मांड में ही रहती है। विज्ञान के नियम भी हमें यही बताते हैं कि ऊर्जा ना तो बन सकती है ना ही नष्ट हो सकती है। ऊर्जा सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकती है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि इंसान की बॉडी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है, यह सिर्फ अपना रूप बदलता है।
जैसे कि अगर किसी मृत व्यक्ति को दफन कर दिया जाए तो वह डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिल जाएगा और वही पेड़ बन जाएगा और वही पेड़ को जानवर खाएंगे जिससे उन्हें एनर्जी प्राप्त होगी। मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी जीव का शरीर पृथ्वी को छोड़कर नहीं जाता। अब हम बात करते हैं आत्मा की कि वह कहाँ जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विज्ञान कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आत्मा भी एक प्रकार की एनर्जी है और अगर यह बात सच है तो इसका मतलब है कि आत्मा कभी नहीं मर सकती। बॉडी तो डिकम्पोज हो जाएगी और सारे न्यूट्रिएंट्स धरती में मिल जाएंगे पर आत्मा जिंदा रहती है। पर मैं आपको बता दूं कि यह सिर्फ एक थ्योरी है। क्या आपने कभी नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में सुना है? नियर डेथ एक्सपीरियंस इंसान का वो एक्सपीरियंस होता है जिसमें इंसान दावा करता है कि वह मर के भी जिंदा हुआ है। ऐसे केसेस हमारे देश में बहुत हैं। डंकन मैकडॉगल नामक एक साइंटिस्ट ने बड़े ही कमाल का एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने एक इंसान के मरने से पहले उसका वेट नापा और फिर उस इंसान के मरने के बाद नापा। जब उन्होंने रिजल्ट को देखा तो उन्हें 21 ग्राम का फर्क दिखा। पर शायद यह सही नहीं है। मरने के ठीक पहले बॉडी के कई मेटाबॉलिक प्रोसेस के चलते वेट कम होता होगा। पर एक बहुत ही अजीब बात है कि जब जब यह एक्सपेरिमेंट किया गया हर बार अलग अलग पेशेंट में 21 ग्राम ही कम हुआ। यह सोचने की बात है कि चाहे इंसान का वेट कितना भी हो हर बार मरने के बाद सभी का वेट 21 ग्राम ही कम हुआ और इसी के चलते यह 21 ग्राम थ्योरी के नाम से फेमस हुआ। आपको क्या लगता है कि इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है? कुछ तो ऐसा है जो मरने के बाद शरीर को छोड़ के चला जाता है। अब हम दूसरे पहलू की बात करते हैं जो है उन लोगों की जो आत्माओं में यकीन नहीं करते। उनका क्या कहना है? उनका यह कहना है कि मरने से पहले इंसान के ब्रेन के अंदर जो एक्टिविटी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होने लगती है, उसी के चलते लोगों को हेल्यूसिनेशन होने लगते हैं यानी कि भ्रम होने लगते हैं जिसमें उन्हें लगता है कि उन्होंने लाइट्स को देख लिया है और शायद यही नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है। पर सच क्या है और क्या झूठ, क्या पता। अब हम बात कर लेते हैं उस फीलिंग की जिसमें इंसानों को लगता है कि उन्हें कोई देख रहा है। विज्ञान की भाषा में कहें तो इसे साइकिक स्टीयरिंग इफेक्ट कहते हैं। अगर हॉन्टेड हाउस की बात करें तो ऐसा क्यों होता है कि घर में अजीबोगरीब सेंसेशन होने लगती है जब उसमें कोई इंसान जाता है? पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की माने तो जब भी कोई बहुत बुरी घटना के साथ मरता है तो उसकी आत्मा घर के अंदर की चीजें जैसे फर्नीचर, दीवार और सीढ़ियों में एब्जॉर्ब हो जाती है। इसलिए जब आप हॉन्टेड प्लेस पे जाते हो तो आपको बहुत अजीब सा फील होगा और अजीब से इमोशंस आएंगे। इसे आप ऐसे समझिए कि उस आत्मा के दर्द को आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। इस दुनिया में हजारों लोगों ने यह दावा किया है कि उन्होंने भूत को देखा है और कई लोगों ने तो इंटरनेट पे भूतों की फोटो भी पब्लिश की हुई है। उसमें से तो ज्यादातर फेक हैं और अफवाहें फैलाने के लिए डाली गई हैं। पर हम ऊजा बोर्ड को गलत नहीं ठहरा सकते। ऊजा बोर्ड एक तरह का टूल है जो सुपर नेचुरल पावर से बात करने के लिए यूज किया जाता है। आप चाहें तो खुद एक ऊजा बोर्ड खरीद सकते हो या बना सकते हो और अपने आसपास की आत्माओं से क्वेश्चन पूछ सकते हो। पर मैं आपको यह करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा क्योंकि यह बहुत खतरनाक हो सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इन बातों का निष्कर्ष यह निकलता है कि साइंस के एक्सप्लेनेशन ग्रुप इनकी एग्जिस्टेंस को मानते ही नहीं। उनके हिसाब से यह सिर्फ एक भ्रम है और उसी के चलते साइंटिफिकली प्रूफ नहीं किया जा सकता। पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की माने तो यह सच में होते हैं जिसके चलते हर साल इतने सारी घटनाएं होती हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि मैं क्या मानता हूं तो मेरा मानना यह है कि आत्माएं होती हैं क्योंकि मैं इस लॉ पर बिलीव करता हूं कि ऊर्जा कभी मर नहीं सकती ना ही कभी नष्ट की जा सकती है। वह किसी न किसी फॉर्म पर धरती पर होती ही है। आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ और मुझे फेसबुक, इंस्टा या स्नैपचैट पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।